हाय दोस्तों, लियो गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस लेडी पाम के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, मेरे पास कई सारे कमेंट्स आती रहती हैं कि हमारा जो लेडी पाम है वो सूख, यानी कि उसकी जो पत्तियाँ हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। तो मैं देखिए उसका एक साइंटिफिक रीजन बता देता हूँ आपको। सारी चीज़ें मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। देखिए, मेरा जो प्लांट है, देखिए कैसे हरा भरा है, सारी जो पत्तियाँ हैं वो कैसे बिल्कुल जो शाइनिंग है वो आ रही है इन पर। तो आपका भी जो प्लांट है लेडी पाम का, वो भी सेम टू सेम ऐसा ही हो जाएगा। बस जो मैं आपको बताऊँ आपको वही करना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, आपकी जो पत्तियाँ हैं, मतलब इस प्लांट की जो पीली पत्तियाँ हैं, वो आपको बिल्कुल काट देनी है। और कहाँ से काटने में बता देता हूँ। देखिए, बिल्कुल इसके पास से ही ये पत्ती पूरी काटनी है, इस टाइप से। जो रोग है इसका, यानी कि जो पत्तियां हैं, जो जिससे जो दूसरी पत्तियां हैं वो खराब ना हो, तो आपको सारी पत्तियां पहले ऐसे काट देनी है, जिससे कि इसकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा होती है। इस टाइप से आपको ये सारी पत्तियां काट देनी है, क्योंकि इससे जो पेड़ की जो ग्रोथ है उस पे काफी असर देखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि जो नई पत्तियां निकलती हैं आपकी, उनके लिए ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उनको जो प्रोटीन नाइट्रोजनस का वो काफी अच्छी मात्रा में मिलता रहता है। देखिए दोस्तों, ये जो रोग होता है, ये होता है ज़्यादा पानी की वजह से। क्या होता है कि काफ़ी टाइम बाद, यानी कई बार आप इसमें ज़्यादा पानी लगा देते हैं, तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कॉर्नर से सूखने लगती हैं। तो आपको इनमें ज़्यादा पानी नहीं लगाना है। आपको पानी इसमें जब ही लगाना है जब इसकी जो मिट्टी है वो कम से कम 1 इंच तक सूख जाए, तब आपको इसमें पानी लगाना है। और इस टाइप से अगर आपका पेड़ में कोई जो सूखापन है साइड में आ रहा है, तो उसको आप ऐसे ही मेरी तरह काट दें। तो इससे वो दोस्तों होता क्या है, ये जो आपकी जो साइड में जो पत्तियां देखिए इस टाइप से सूखने लगती हैं, अगर आप इसे यहीं से पत्तियों को यहीं से काट देंगे, तो ये जो पूरी पत्ती है ये आगे को नहीं सूखेगी और आपका जो पेड़ है वो भी हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों देखिए, ये हार्डी पौधा होता है, इसको कम से कम 4-5 घंटे की धूप लगनी चाहिए, तभी अच्छे से ग्रो करता है। तो आप इसे 4-5 घंटे की धूप जरूर दें, और याद रखें कि आपको सुबह शाम की धूप देनी है, दोपहर की आप इसको धूप ना दें, वरना इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। इस टाइप से आप, या कि इसकी जो सारी पत्तियां हैं, जो जली हुई पत्तियां, उनको आप साफ करते रहें टाइम टू टाइम, इससे जो पेड़ है बहुत ही हेल्थी रहता है। और दोस्तों, बात करूं मैं फर्टिलाइजर की, तो देखिए इसके लेडी पाम के लिए ज़्यादा कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। आप महीने में या 2 महीने में एक बार आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या आप गोबर का खाद डाल सकते हैं, उससे ये पेड़ हरा भरा रहता है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसमें से ये जो छोटे छोटे पेड़ निकलते हैं निकल रहे हैं, इनको अगर आप दूसरे गमले में प्लांटेशन करना चाहते हैं, तो आप इसे साइड, मतलब उखाड़ कर दूसरे गमले में भी इजीली प्लांट कर सकते हैं, ये उसमें भी ग्रो हो जाते हैं, ठीक है? आप वो एक ही पेड़ से बहुत सारे पेड़ इसमें बना सकते हैं। देखिए कितने सारे पेड़ इसमें उग रहे हैं इस टाइम। तो दोस्तों देखिए, जहां तक मेरा मानना है, ये जो पेड़ होता है बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि देखिए घर के लिए भी ये पौधा अच्छा, यानी कि व्यू में भी देखने में भी अच्छा होता है। तो आप अपने घर में, अगर आपके घर में ये पौधा नहीं है, तो जरूर इस पौधे को लगाइए, ताकि ये पौधा दिखने में बहुत ही अट्रैक्शन होता है। तो आपका जो गार्डन है, आपका गार्डन, आपके गार्डन की ये शोभा को, चार आपके जो गार्डन है उसकी जो शोभा, उसमें 4 चांद लगा देगा। अगर आपके पास ये पौधा नहीं है, तो मार्केट से आप इस पौधे को ले आएँ। इसका जो नाम है वो लेडी पाम है, ये भी पाम की ही वैरायटी है, पाम की फैमिली से बिलोंग करता है। तो
तो आप एक बार इस पौधे को भी जरूर लगाइए अपने घर में, ठीक है। तो दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।